नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कृषि टेक न्यूज पे। मेरा नाम है निशांत और आज हम बात करने वाले कुछ अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं टेस्ला के बारे में और फिर बात करेंगे एथर के बारे में। तो दोस्तों, जो टेस्ला है वो इंडिया में जो है रिसेंटली लॉन्च डेट जो है अनाउंस कर चुका है। ये आपको जो जनवरी से आप इसकी प्री बुकिंग स्टार्ट कर पाएंगे और वही आपको ये जो गाड़ी जो देखने को मिलेगी वो आपको जून जुलाई के आसपास देखने को मिलेगी। इंडिया में देखने के लिए जो पहला मॉडल टेस्ला की तरफ से देखने को मिलने वाला है वो मिलेगा आपको टेस्ला मॉडल 3। इस मॉडल के बारे में बात करूं दोस्तों, इस मॉडल के लुक्स मतलब मेरे को सिडान में अभी तक किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी में या फिर मैं आपको पेट्रोल में भी देखूं तो मेरे को दी बेस्ट लगते हैं। और भाई बात करें इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो भाई इसकी स्पेसिफिकेशंस भी, इसका चार्जिंग टाइम जो है 15 मिनट में ये कुछ आपको 280 किलोमीटर तक की रेंज दे देता है। और भाई जब मैं इसकी फुल चार्जिंग रेंज के बारे में बात करूं तो मिलती है आपको कुछ 568 किलोमीटर के आसपास, जो कि मतलब काफी ज्यादा अच्छी है। और बात करें दोस्तों मतलब इसके एक्सेलरेशन के बारे में, तो ये 60 माइल्स तक की स्पीड पकड़ लेता है कुल 3.1 सेकंड में, जो कि मतलब एक बहुत ही फास्ट जो है एक्सेलरेशन होती है। और इसके बारे में बात करें दोस्तों इसकी मोटर्स के बारे में, तो इसमें जो है ऑल व्हील ड्राइव आपको मिलता है। इसमें दो इंडिपेंडेंट एसी मोटर्स यूज करी जाती है। तो और इसका जो मतलब फीचर्स के मामले में तो टेस्ला खैर अनबीटेबल है। इसके एडवांस फीचर्स मतलब टेक्नोलॉजी ओटी अपडेट्स यहाँ पर आपको जो है टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और यहाँ पर देखने वाली बात दोस्तों क्या रहेगी कि एज टेस्ला की एंट्री 2021 स्टार्टिंग में ही हो जाएगी, तो जो आपको इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया में वो काफी जल्दी जो है उभरता हुआ दिखेगा। जो मतलब बैटरी स्वैपिंग स्टेशन या फिर चार्जिंग स्टेशन जो लेट आने वाली थी वो आपको कुछ ज्यादा जल्दी देखने को मिलेंगे। एज टेस्ला की एंट्री जो है वो भी ज्यादा जल्दी ही हो चुकी है। और दोस्तों अगली अपडेट की बात करते हैं, वो बात करते हैं एथर के बारे में। तो दोस्तों एथर जो है वो 28 से मतलब ज्यादा जो सिटीज में इन्होंने अपने अनाउंस कर दिया है कि ये अपनी सिटीज में जो है डिलीवर करेंगे। और वही बात करें इसके बारे में, इसकी जो प्री बुकिंग है वो काफी जगह चालू हो चुकी है, इंक्लूडेड दिल्ली, यहाँ पर आप इसे प्री बुक कर सकते हैं। और ये आपको मार्च से अप्रैल में जो है इसकी डिलीवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये बात करें दोस्तों एथर जो है, एथर के अंदर 50 प्लस जो है सेंसर्स पहले से ही एम्बेड कर दिए गए हैं, जो काफी कुछ जो है अभी यूज में एथर ले रहा है रिसेंटली और कुछ जो है अभी यूज में नहीं लिए जा रहे। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको ओटी अपग्रेड्स मिलती है इसमें आपको जो है काफी फायदा होता है। एक तो आपके जो नए नए सेंसर्स इसमें लगे हुए हैं उनका जो आपको यूज में आ जाएंगे और आपको नई नई जो है एनहांसमेंट व्हीकल के साथ में मिलती रहेगी। और साथ में ही अगर आपके व्हीकल में मतलब कोई भी फॉल्ट आता है, कोई भी मतलब एनालिटिक्स अगर आपके खराब होते हैं व्हीकल्स के, तो वो ऑन द एयर जो होता है मॉनिटर किए जाते हैं और उसके बाद उनमें जो है नए अपडेट्स के साथ उनमें सुधार किया जाता है, जिसके साथ ही रेंज में और आपके व्हीकल की परफॉर्मेंस में जो है सुधार किए जा सकते हैं। फिलहाल ऐसा काम कोई और कंपनी नहीं कर रही है, ऐसे इकलौता स्मार्ट स्कूटर है इंडिया का, तो इसी में जो आपको ऐसे फीचर्स देखने को मिलते हैं जो मुझे काफी अच्छा लगता है एथर की तरफ से आपको जो मिलते हैं। बाकी दोस्तों फिलहाल वीडियो में जानकारी इतनी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।